हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीयू अकेडमी। आज की वीडियो में कुमाऊं यूनिवर्सिटी के बीएड एंट्रेंस के जो पेपर है उसमें हम टीचिंग एप्टीट्यूड का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, शिक्षण अभिक्षमता। इसमें देखिए पेपर कोड है आपका B1 और बुकलेट कोड है आपका A। तो जिनका भी बुकलेट कोड A है वो सीधा सीधा चेक कर लीजिएगा और बाकी लोग अपने आंसर्स मैच कर लीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा जिससे आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलते गए। इसके अलावा मैंने और सभी पेपर्स अपलोड कर दिए हैं, बस एक साइंस ग्रुप का पेपर रह गया है। तो जो भी पेपर आपको देखना है आप प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, और थोड़ी देर में मैं साइंस का भी पेपर अपलोड कर दूंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और उसमें देखिए आपका जो ये पेपर हुआ था ये 150 नंबर का पेपर था और 2 घंटे की आपको इसमें टाइमिंग मिली थी। तो टीचिंग एप्टीट्यूड के 50 क्वेश्चंस आपको देखने के लिए इसमें मिले थे। इस बार पेपर का पैटर्न जो था काफ़ी ज़्यादा चेंज आया था। ठीक है, तो आपके जो सेंटर थे उन्हीं पे आपका पेपर सबमिट कर लिया गया था। ठीक है, तो इसलिए आई नो कि सभी के पास पेपर अवेलेबल नहीं है, तो मैं आपको बता दूँ कि सॉरी पर मेरे पास भी सारे पेपर अवेलेबल नहीं है। मेरे पास सिर्फ बुकलेट A है, B, C या D मेरे पास अवेलेबल नहीं है, क्योंकि आप लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि मैम बुकलेट B का भी पेपर सॉल्व करवा दीजिए। तो मेरे पास बुकलेट B, C और D अवेलेबल नहीं है, वरना मैं बिल्कुल आपको उसके भी आंसर की ऐसे ही एज इट इज़ दे देती, क्योंकि क्वेश्चन ऊपर नीचे होते हैं बस, बाकी तो सब कुछ सेम रहता है। ठीक है, बाकी मैं आप लोगों को एक बात और बता दूँ कि हमारे चैनल पर आपको बीएड की सारी क्लासेस, एडमिशन तक के प्रोसेस की सारी वीडियोस मिलने वाली हैं। तो चैनल से जुड़े रहें और साथ ही कोई भी कंफ्यूजन आपको होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम अपना पेपर स्टार्ट करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड का। इसमें देखिए सबसे पहले आपको निर्देश दिया हुआ है जिसमें बताया गया है कि प्रश्न संख्या 101 से लेके 150 तक कुल 50 प्रश्न शिक्षण अभिवृत्ति से संबंधित है। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के रूप में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से केवल एक विकल्प सही उत्तर है, उसे छाटिए और चिन्हित कीजिए। पहला क्वेश्चन देखिए, एक अध्यापक के न्यूनतम संबंधित लक्षण हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन D, छात्रों के साथ उत्तम अंतःक्रिया। नेक्स्ट है, एक अध्यापक का अधिकतम महत्वपूर्ण गुण है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन D, आत्मविश्वासी होना। एक बालक जो कुछ अपने परिवार में या समुदाय में सीखता है उसे कहते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन B, अनौपचारिक शिक्षा। नेक्स्ट है, एक अध्यापक को प्रश्न पूछना चाहिए। किससे प्रश्न पूछना चाहिए? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन A, संपूर्ण कक्षा से या सभी छात्रों से। नेक्स्ट देखिए, बालकों में अब समायोजन की समस्या होती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन A, अभिप्रेरण के परिणाम स्वरूप। नेक्स्ट है, अभिप्रेरणा है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन C, मानसिक अवस्था। नेक्स्ट है, कक्षा में कमजोर छात्रों के प्रति एक अध्यापक का दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन C, सहानुभूति एवं मित्रतापूर्ण। नेक्स्ट है, अध्यापन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन B, अध्यापन की है विशेषता है कि अध्यापक और अध्येता के मध्य विशेष संबंध होता है। नेक्स्ट है, एक प्रभावशाली शिक्षण में सम्मिलित होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन C, अध्यापक एवं छात्र दोनों की क्रियाशील होते हैं। नेक्स्ट है, विद्यार्थी को नियमित रूप से गृह कार्य देने का लाभ क्या है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन A, स्व अध्याय की आदत डालना। नेक्स्ट है, कक्षा में शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछने का उद्देश्य है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन C, विद्यार्थी के ध्यान आकर्षण हेतु। नेक्स्ट देखिए, प्रभुत्ववादी शिक्षण में, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन A, केवल छात्र सक्रिय रहते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शब्द शिक्षण की कला व विज्ञान को संदर्भित करता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन D, शिक्षण शास्त्र, पेडागॉजी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन से शब्द का सार्वधिक व्यापक अर्थ है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन C, विशिष्ट उद्देश्य। एक प्रभावशाली शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का न्यूनतम संबंध होना चाहिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन B, करके सीखना। नेक्स्ट है, शिक्षण अभिक्षमता से तात्पर्य है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन C, शिक्षण की क्षमता रखना। नेक्स्ट है, एक लोकतांत्रिक शिक्षण है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन A, अध्यापक केंद्रित। व्याख्यान का प्रयोग फिर रिक्त स्थानों को उपलब्ध कराने हेतु किया जा सकता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन D, उपयुक्त सभी हेतु। नेक्स्ट देखिए, श्यामपट पर लिखते समय अध्यापक को किस बात का ध्यान रखना चाहिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन D, उपयुक्त सभी बातों का।
नेक्स्ट देखिए, पाठ शिक्षण के समय अध्यापक का ध्यान किस पर होना चाहिए? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, विद्यार्थी पर। नेक्स्ट देखिए, शिक्षण के समय पाठ में छात्रों की रुचि बनाए रखने हेतु शिक्षक को निम्न क्रिया करनी चाहिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, व्याख्यान विधि। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शिक्षण दृष्टिकोण इस विश्वास पर आधारित है कि शिक्षक वह सब कुछ जानता है जिसे शिक्षार्थी को जानने की आवश्यकता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण। नेक्स्ट है, कक्षा में मानवीय वातावरण बनाए रखने से आशय है कि, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, छात्रों के साथ मानवीय संबंधों की स्थापना। देखिए, निम्न में से कौन सा कारक बच्चों में दृष्टिकोण के विकास को प्रभावित नहीं करता? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, समकक्ष व्यक्तियों का समूह। नेक्स्ट देखिए, एक वास्तविक शिक्षक वह है जो, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, समाज की बाध्यताओं से मुक्त हो। नेक्स्ट है, यदि आपके शिक्षण के समय कोई छात्र आपके प्रश्न के उत्तर ना दे पाए तो आप, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उसे सही उत्तर बताएंगे। नेक्स्ट है, आप शिक्षण व्यवसाय को पसंद करते हैं क्योंकि, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आप शिक्षण में रुचि रखते हैं। नेक्स्ट देखिए, कक्षा शिक्षण को और अधिक प्रभावशाली बनाने का उपाय है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कक्षा में पढ़ाए गए प्रकरण से संबंधित प्रश्न पूछें। नेक्स्ट है, शिक्षक के किस गुण से सामान्यतः छात्र प्रभावित हो जाते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, उसके अंतर्मुखी व्यक्तित्व से। नेक्स्ट देखिए, किसी निष्ठावान शिक्षक को प्रोत्साहित करने की सर्वोत्तम विधि है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, समय समय पर उसके कार्य की प्रशंसा करना। नेक्स्ट है, एक अध्यापक होने के नाते आप, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, छात्रों की समस्याओं को सुनेंगे। नेक्स्ट है, कुछ छात्र चुपचाप ही विद्यालय से भाग जाते हैं, ऐसे छात्रों के व्यवहार को रोकने के लिए आप क्या करेंगे? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वो स्कूल से क्यों भाग जाते हैं इस कारण को जानने का प्रयास करेंगे। एक उत्तम अध्यापक वह है जो, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, छात्रों के सर्वांगीण विकास में रुचि लेता है। नेक्स्ट देखिए, कक्षा कक्ष में अधिक अनुशासनहीनता प्रायः तब फैलती है जब, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, शिक्षक कक्षा कक्ष शिक्षण को प्राप्त रूप से रोचक बनाने में असफल है। नेक्स्ट है, एक छात्र ने आपसे एक प्रश्न पूछा और आप उसका उत्तर नहीं जानते, तब आप क्या करेंगे? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, आप छात्र को आश्वासन देंगे कि उस प्रश्न का सही उत्तर पता करके अगले दिन उसे बताएंगे। नेक्स्ट है, एक शिक्षक को अपने छात्रों के नाम ज्ञात होने चाहिए जिससे, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, शिक्षक के अपने छात्रों के साथ संबंध सुदृढ़ हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, शिक्षक को समय पर विद्यालय पहुँचना चाहिए जिससे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, छात्र समय निष्ठा का पाठ सीखेंगे। विद्यालय का निरीक्षण समय समय पर किया जाना चाहिए क्योंकि, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, शिक्षकों को शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से विचार विमर्श करने का अवसर प्राप्त हो सकता है। बाल केंद्रित शिक्षण का अर्थ है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बालक की आवश्यकताओं का ध्यान रखना। नेक्स्ट, यदि कोई छात्र कक्षा कक्ष में अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहा है तो उस छात्र के इस व्यवहार का संभव कारण हो सकता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, उत्तर ए और बी दोनों सही है, यानी कि उसके घर में वो भाषा बोली जाती होगी या आस पड़ोस में उस भाषा का प्रयोग किया जाता होगा। नेक्स्ट देखिए, यदि एक अध्यापक किसी छात्र की भर्त्सना या निंदा कक्षा में करता है तो इसके कारण क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, ये जो भी दिया है ये ऑप्शन सब गलत है। नेक्स्ट है, यदि एक छात्र बिना प्रेस किए हुए गंदे गणवेश को पहनकर कक्षा में आता है तब आप, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उसे नम्रता के साथ बताएंगे कि कक्षा में बिना प्रेस एवं गंदे गणवेश को पहनकर आना उत्तम आदत नहीं है। नेक्स्ट देखिए, उत्तम अधिगम हेतु कक्षा का वातावरण होना चाहिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, निरंकुश या एक तंत्रवादी। नेक्स्ट देखिए, एक छात्र हेतु शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, कक्षा कक्ष में समूह गतिविधियों के द्वारा छात्रों में निम्न में से किस विशेषता का विकास किया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, नेतृत्व की भावना।
नेक्स्ट देखिए, प्राथमिक विद्यालयों में ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड का संबंध है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, आधारभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराने में। नेक्स्ट है, किसी शिक्षक का संचार या संप्रेषण कौशल प्रभावहीन है तो निम्न में से कौन सी समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट देखिए, एक अध्यापक होने के नाते क्या आप अपने छात्रों में भय का भाव निर्मित करेंगे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, नहीं, इससे छात्रों में रचनात्मकता कम होगी। नेक्स्ट देखिए, आपके विद्यालय में एक वाद विवाद प्रतियोगिता आयोजित की जाने वाली है एवं उसमें आपके छात्र भाग लेना चाहते हैं तो आप। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उनके भाषण को तैयार करने हेतु उन्हें पाठ्य पुस्तकें एवं अध्ययन सामग्री उपलब्ध करा देंगे। नेक्स्ट देखिए, लास्ट क्वेश्चन है, हम अपने छात्रों में स्व अनुशासन कैसे विकसित कर सकते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उन्हें उत्तरदायित्वों को सौंपकर। इसी के साथ यहाँ पे आपका पेपर कंप्लीट होता है। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।